नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। टॉपिक ये रहेगा कि आज का, देखिए इस टाइम जो अक्टूबर चल रहा है, दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, तो जो भी लोग गाड़ी लेना चाहते हैं इस टाइम जो कंपनीज वाले हैं वो भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, और इस टाइम जो बैंक वाले हैं वो भी आपको जो लोन दे रहे हैं वो अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके ईएमआई को थोड़ा कम रखेगा और आपके प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नहीं है, फोर क्लोजिंग चार्जेस जो है वो नहीं है। तो क्या बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और कितना उसमें जो है मिल रहा है वो हम देखेंगे। और सभी लोगों को मेरा हाजिर के राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो साहब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि SBI का लोन के बारे में बता रहे हैं कि SBI जो है इस टाइम जो है वो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है वो दे रहा है अगर आप गाड़ी लेने के मूड में हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपका बेस्ट टाइम है, बिकॉज जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाए। तो जो भी भाई लोग गाड़ी लेने के मूड में हैं तो ये आपका बेस्ट टाइम है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले SBI की। तो SBI जो है आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन दे रहा है, ये एक एडवांटेज रहेगा आपके साथ, बिकॉज जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो इसमें अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये और बता दूं कि यहाँ पर फोर क्लोजर चार्जेस 2 साल के बाद कोई भी चार्जेस दे विल नॉट चार्ज फ्रॉम यू, आपसे कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्री पेमेंट करते हैं, तो उसके भी कोई चार्जेस जो है वो नहीं है। SBI जो है वो आपसे जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज कर रहे हैं 7.85%। ये आपका जो है सबसे मिनिमम जो है वो 7.85 है। वो ये वेरी कर सकता है, जिन लोगों का सिबिल स्कोर कम है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा जो है वो ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होगा थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहेगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सिबिल स्कोर जो है बहुत अच्छा है, मतलब 757 से प्लस, 775 से प्लस की रेंज में आता है, तो उनसे जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, वो है आपका 7.85%। ये लोग जो भी लोग सैलरीड हैं या जो लोग आपके आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी कर सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन टेन्योर है ये आपका जो है इसमें 90% जो है वो आपको लोन करेंगे। लोन में 3 चीजें होती हैं सब जब आप गाड़ी लेने चाहते हैं। सबसे पहला जो हो गया आपका गाड़ी के जो चार्जेस हैं, एक्सशोरूम चार्जेस हो गए, फिर उसमें RTO के पैसे जुड़ते हैं, फिर उसमें इंश्योरेंस के पैसे जुड़ते हैं। तो जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है उसका दे विल गिव यू द 90%। कुछ ऐसी गाड़ीज हैं जिन पर SBI आपको 100% जो है वो लोन भी दे रहा है, तो आप SBI में जाके पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी गाड़ीज हैं जिन पे आपको 100% जो है वो SBI फाइनेंस कर रहा है। तो ये एडवांटेज है आपका इस टाइम लोन लेने के लिए। तो साहब यहाँ पर मैं आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि जिन लोगों का सिबिल स्कोर 775 से ज्यादा है या 775 तक है और जो लोग लोन ले रहे हैं 3, 4, 5 साल के लिए, तो उनसे जो बैंक चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.85%। और जो लोग जो है वो लोन 6 या 7 साल के लिए ले रहे हैं उनसे जो है वो 10% मतलब 10% जो है वो ज्यादा हो जाएगा। 7.85% का हो गया आपका 7.95% दे विल चार्ज। जो लोग लोन लेंगे 6 या 7 साल के लिए उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.95 है, और सिबिल स्कोर जिनका 775 या 775 से ऊपर है। सेकेंड अब बात करेंगे जिनका सिबिल स्कोर 775 से जो है वो कम है बट और 757 से ऊपर है, मतलब जिनका सिबिल स्कोर 757 से लेकर 774 तक है उनके लिए जो बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा 7.95%। जो भी लोग गाड़ी का लोन ले रहे हैं 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए, अगर आप लोन लेते हैं 6 या 7 साल के लिए तो आपसे जो है वो बैंक चार्ज करेगा वो 8.05% चार्ज करेगा, अगर आपका सिबिल स्कोर 757 से 774 के बीच में है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो 721 से ऊपर है बट 757 से नीचे है तो आपसे जो है वो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो करेगा 8.2% अगर आप लोन लेते हैं 3, 4, 5 साल के लिए। और अगर आप लोन लेते हैं 6 साल के लिए या 7 साल के लिए तो बैंक जो आपसे चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा 8.3%। मतलब आप मोटा मोटा लगा लीजिए कि 0.1 उसका 10% का जो है वो
डिफरेंस आता है वो उसमें जो है वो ऐड हो जाता है, ये सिबिल स्कोर के हिसाब से है। और जिन लोगों का सिबिल स्कोर जो है वो 688 से ऊपर है और 720 से कम है, उनसे बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 8.45% अगर आप लोन लेते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, और अगर आप लोन लेते हैं 6 या 7 साल के लिए तो आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 8.55%। ये आपके लिए जो है एक सिबिल स्कोर के हिसाब से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है। ये इस टाइम जो फेस्टिवल सीजन पे जो है वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सब इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इस टाइम जो आपको SBI लोन ऑफर कर रहा है वो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन ऑफर कर रहा है। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं तो आपको, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सिनेरियो है वो बढ़ रहा है, हो सकता है नवंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाए, तो अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हो तो आपको टेंशन फ्री रहना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है आपका SBI से कार लोन के लिए अप्लाई करने का, और कार लेने का भी बेस्ट टाइम यही है बिकॉज कंपनियां भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है, कैश डिस्काउंट भी है आपके पास, आपका एक्सचेंज बोनस भी है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है, तो दोनों तरफ का एडवांटेज इस टाइम आपके पास है। अब इसके अलावा ये तो आपने आपसे बात कर दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो SBI आपसे क्या चार्ज करेगा, दूसरा एडवांटेज क्या होता है जब आप फेस्टिवल सीजन में आप गाड़ी का लोन ले रहे हैं तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस जो है वो नहीं ली जाएगी, देयर इज नो प्रोसेसिंग फीस। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तीसरा एडवांटेज मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपसे कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। अगर आप अपना लोन जो है 2 साल के बाद क्लोज करते हो दे विल नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग, अगर उससे पहले करते हो देन दे विल चार्ज समथिंग, वो आप बैंक से एक बार जो है वो रिकन्फर्म कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं, सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया और आपने 1 साल में 1 लाख पे पेमेंट कर दिया, फिर 1 साल में 1 लाख पेमेंट कर दिया, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेली रिड्यूसिंग बेसिस पे रहेगा, तो उसका भी एडवांटेज आप यहाँ पर उठा सकते हैं। अब सब ये हमने आपको बता दिया कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नहीं है, फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। अब कौन लोग कितने जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सैलरी क्लास पीपल हैं और आपकी सैलरी जो है वो 3 लाख रुपए की जो है वो सैलरी आती है आपके अकाउंट में तो आपकी आप जो है वो लोन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी सैलरी 3 लाख नहीं है तो आप किसी को भी को अप्लाइंट बना के दोनों की सैलरी क्लब करके 3 लाख की सैलरी दिखा सकते हैं, ये लोग जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, अगर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जो आ गया आपका नेट प्रॉफिट या फिर आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो है वो 4 लाख रुपए होनी चाहिए एज पर द लेटेस्ट ITR, जो भी आपने ITR जो है रिटर्न फाइल की है उसमें आपकी 4 लाख की नेट प्रॉफिट या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो है वो 4 लाख रुपए जो है होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 2 साल का जो है आपको फॉर्म 16 जो है वो देना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट 3 ईयर का ITR विद कंपटीशन, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। चौथा, मिनिमम 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो देनी पड़ेगी अगर सैलरी अकाउंट है, और अगर क्या आपका बिजनेस है तो 6 महीने का आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा बिजनेस अपने करंट अकाउंट का। और ये एडवांटेज है आपको SBI से लोन लेने का कि आपके पास सब चीजें जो है इस टाइम वो आपके फेवर में जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके फेवर में है, आपका प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो आपके फेवर में है, प्रोसेसिंग फीस आपको कोई भी जो है वो पे नहीं करनी है। अब सब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें चाहिए जब हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इनकम हमें जो है वो दिखानी पड़ती है लोन लेने के लिए। अब हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वो आपका एक ID प्रूफ है। ID प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं प्लस 2 पासपोर्ट साइज ग्राफ की फोटोग्राफ अगर आप सैलरीड हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेम चीजें आप उनके लिए भी हैं, पैन कार्ड प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे कैन गिव द बैंक। सेकेंड, आपको देना है आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ देना है। रेजिडेंस प्रूफ में आपका अगर आप रेंट पे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, जिनका अपना घर है उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपना एड्रेस प्रूफ में दिखा सकते हैं। तीसरा, ऑफिस एड्रेस आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका एक ICARD चला जाएगा, ऑफिस ICARD चला जाएगा, और अगर जो लोग बिजनेस में हैं तो आपका VAT का जो है सेल टैक्स सर्टिफिकेट आप वो दिखा सकते हैं, और आपका जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट है आप वो दिखा सकते हैं या सर्विस जो है वो आप दिखा सकते हैं। और फिर आपका आगे आपको इनकम प्रूफ में आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाएंगे, और जिसमें कि फॉर्म 16 होना चाहिए, लेटेस्ट लास्ट 2 साल की जो है वो आपको ITR दिखानी पड़ेगी फॉर्म 16 के साथ। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है लास्ट 2 साल की ITR कंपटीशन चाहिए, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए और बैलेंस शीट होनी चाहिए 2 साल की, तो ये आपका जो है होना चाहिए। और आपके अगर आप सैलरीड पीपल हैं तो आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और अगर आपका बिजनेस है तो 6 महीने की आपको करंट अकाउंट की एक स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये मोटा मोटा आपको बता दिया गया कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे SBI जो है वो चार्ज करेगा, कोई आपसे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जो लोग प्री पेमेंट करते हैं तो उनका ऑन डेली बेसिस जो है वो इंटरेस्ट भी कम हो सकता है या टेन्योर भी कम करा सकते हैं, दोनों ऑप्शन उनके पास होती है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो भी लोग अब लोन लेंगे, तो ये इस चीज का मैं मेरे से अगर आप पर्सनली पूछते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। प्री पेमेंट का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जैसे जैसे आपके पैसे आते रहेंगे आप डालते रहिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता रहेगा, टेन्योर अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी कम होगा, और आप पे मेंटली जो है वो बोझ नहीं रहेगा। तो साहब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जो भी लोग इस टाइम गाड़ी लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय ए कार इन टर्म्स ऑफ लोन और इन टर्म्स ऑफ कंपनी। आपको कंपनी से भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है और लोन भी जो है वो इस समय अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो साहब एक छोटी सी वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मेरा दिल था शेयर करने का वो मैंने कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे।